दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडिया में ऑटोमेटिक ट्रांजिशन वाली गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है और इंडिया में इस टाइम कई सारे कस्टमर हैं जो कि गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांजिशन लेना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में ऑटोमेटिक ट्रांजिशन ऑप्शन के भी दोस्तों अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि AMT, CVT, DCT, DSG, टॉर्क कन्वर्टर एक्सेट्रा। कई सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से कई ऑटोमेटिक ट्रांजिशन ऑप्शन सस्ते हैं तो कई महंगे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ज़्यादा कीमत देकर सस्ती टेक्नोलॉजी को बाई कर लेता है और कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी भी सस्ते में मिल रही होती है, लेकिन कस्टमर के पास नॉलेज नहीं होता है तो वह अपनी मेहनत की कमाई से गलत चीज़ खरीद लेता है। इस वीडियो में मैंने ऑटोमोबाइल मार्केट में मिलने वाले सभी ऑटोमेटिक ट्रांजिशन वाली कार्स को कवर किया है और इस वीडियो को देखने के बाद हर तरह के ऑटोमेटिक ट्रांजिशन के बारे में आपको पता लग जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत की कमाई से एक अच्छी गाड़ी ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें इंडिया में मिलने वाले सबसे सस्ते ऑटोमेटिक ट्रांजिशन ऑप्शन की, तो उसका नाम ही ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांजिशन है, मतलब कि AMT। ये ट्रांजिशन सिस्टम आपको इंडिया में एंट्री लेवल कार्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मारुति अल्टो, टाटा नैनो और रेनॉल्ट डस्टर जैसी कार्स में AMT ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है। AMT सस्ता और अफोर्डेबल होने की वजह से एंट्री लेवल कार्स में देखने को मिलता है। बेसिकली ये ट्रांजिशन सिस्टम पुरानी रेसिंग कार से लिया गया है और हकीकत में AMT सिस्टम एक मैनुअल ट्रांजिशन सिस्टम ही है, लेकिन इसे अलग बनाता है इस कार का ऑटोमेटिक गियर्स का शिफ्ट होना। इस सिस्टम में गियर्स को चेंज करने के लिए एक सर्वो मोटर का इस्तेमाल होता है, जिससे कार गियर्स को अपने आप चेंज कर लेती है। मैनुअल ट्रांजिशन सिस्टम से मिलता जुलता होने की वजह से इसे कई बार सेमी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी कहा जाता है। बेसिक ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ा सस्ता है, लेकिन इसके एक ड्रॉबैक है कि इसमें गियर चेंज करते वक्त कई बार जर्क्स आ जाते हैं, मतलब झटके लगते हैं, जिसकी वजह से कार ड्राइवर को कई बार ड्राइव करते टाइम मज़ा नहीं आता है और इस ट्रांजिशन सिस्टम में नॉइस भी ज़्यादा होती है, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। लेकिन मैनुअल ट्रांजिशन सिस्टम से मिलते जुलते होने की वजह से इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है और ये सस्ता भी है, जिसकी वजह से एंट्री लेवल कार्स में ये ट्रांसमिशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब AMT ट्रांजिशन सिस्टम से ऊपर की टेक्नोलॉजी है CVT ट्रांजिशन सिस्टम, मतलब कंटिन्यूसली वेरिएबल ऑटोमेटिक ट्रांजिशन सिस्टम। ये ट्रांजिशन सिस्टम आपको इंडिया में इस टाइम स्कूटीज़ में देखने को मिलता है और कुछ प्रीमियम कार्स में देखने को मिल जाता है, जो कि AMT ट्रांजिशन सिस्टम वाली कार से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मारुति सुजुकी वैगनआर, बोलेनो, निसान माइक्रा, होंडा सिटी और होंडा जेज जैसी कार्स में आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांजिशन सिस्टम का ऑप्शन मिलता है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में दोस्तों कुछ डिस्क लगी होती हैं जो कि गियर्स को अपने आप चेंज कर लेती हैं। CVT ट्रांसमिशन सिस्टम वाले कार्स में गियर चेंज करते टाइम AMT से कम नॉइस होती है, माइलेज भी अच्छा खासा ही मिल जाता है और गियर्स को चेंज करना भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो इस वजह से CVT AMT से ज़्यादा बेटर है, लेकिन इसकी कीमत भी AMT से थोड़ी ज़्यादा है। एक एंट्री लेवल कार बायर के लिए AMT के मुकाबले CVT काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन सिस्टम है। दोस्तों, CVT कार्स की तरह ही आपको इंडिया में अभी आपने सुना होगा IMT ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। एक्चुअल में IMT ट्रांसमिशन सिस्टम अभी हुंडई वालों ने लॉन्च किया है और आपको हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में ही इंडिया में ये ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है। बेसिकली इस ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर तो होते हैं, लेकिन गाड़ी में क्लच नहीं होता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम में आप बिना क्लच के यूज़ किए हुए गियर्स को चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम आपको फीलिंग मैनुअल ट्रांसमिशन की ही देगा, लेकिन आपकी गाड़ी में क्लच नहीं होगा। इसका एक एडवांटेज है कि इसमें आपको माइलेज अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि क्लच नहीं है और मैनुअल के जैसा ही है, लेकिन इसकी कीमत भी CVT से थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। इससे आगे आपको इंडिया में मिल जाता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम, मतलब कि DCT ट्रांसमिशन सिस्टम। कई बार इस ट्रांसमिशन सिस्टम को DSG भी कहा जाता है, मतलब कि डुअल शाफ्ट गियर बॉक्स। एक्चुअल में इस ट्रांसमिशन सिस्टम में दो क्लच का इस्तेमाल होता है और दो ही शाफ्ट लगी होती हैं। जब गाड़ी चल रही होती है तो एक टाइम में गाड़ी एक क्लच पर चल रही होती है और गियर दूसरे क्लच में चेंज हो जाता है, तो मतलब जब एक क्लच काम कर रहा होता है तो दूसरे से गियर चेंज हो जाता है और दूसरा काम कर रहा होता है तो पहले में गियर चेंज हो जाता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम पर चलने वाली गाड़ियाँ रिस्पॉन्सिबल होती हैं और फास्ट भी होती हैं और गियर भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चेंज हो जाता है। इन कार्स में गियर इफिशेंटली चेंज होता है तो इनमें आपको माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है। अभी के टाइम में ये ट्रांसमिशन सिस्टम आपको मारुति के कार्स में नहीं मिलता है, लेकिन ये ट्रांसमिशन सिस्टम फॉक्सवैगन पोलो, स्कोडा रैपिड, फोर्ड फिगो, हुंडई की कुछ कार्स जैसे कि क्रेटा और टूफॉन जैसी कार्स में मिलता है और बाकी कुछ प्रीमियम कार्स में भी आपको इंडिया में ये ट्रांसमिशन सिस्टम मिल जाता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम के कई सारे फायदे हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको ये ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ी महंगी कार्स में ही देखने को मिलता है।
अभी के टाइम में दोस्तों आपको इंडिया में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम पर ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ गाड़ियां जैसे कि महिंद्रा X500 जैसी कार्स में आपको ये ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है। आपको बता दें कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पुराना है और इस ट्रांसमिशन सिस्टम की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल चेंजेस करके इस ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाया गया है। और ये ट्रांसमिशन सिस्टम आपको सबसे पुरानी कार्स में देखने को मिलता था। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर्स के कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये महंगे होते हैं, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी मतलब माइलेज भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इस तरह के ट्रांसमिशन सिस्टम को दोस्तों अभी के टाइम में इंडिया में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में 1-2 साल में ये ट्रांसमिशन सिस्टम मुझे लगता है कि बंद हो जाएगा और इस तरह की गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम देखने को मिलने वाली हैं। तो आई होप दोस्तों आपको सभी टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में क्लियर आइडिया लग चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही में ऐसे इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।